हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग सातवां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई, आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.6। और अभी हमने सवाल नंबर 20 यहाँ पर भाई लिखा हुआ है। जो हमारी एक्सरसाइज है 7.6, यहाँ पर हम लोग खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज कर रहे हैं भाई, समाकलन करने के लिए। ठीक है भाई, तो सवाल को भाई एकदम ढंग से पढ़िए। x माइनस 3 × e की पावर x ऊपर लिखा हुआ है, और x माइनस 1 का होल क्यूब भाई नीचे लिखा हुआ है। देखो, ये भाई थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है। इस प्रकार के तीन चार सवाल हम प्रश्नावली में पहले ही लगा चुके हैं। अगर आपको भाई वो सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। देखो, अभी ये किस प्रकार अलग है आपको भाई हम बताए दे रहे हैं। पहले इसे आप i में लिख लो, i बराबर इंटीग्रेशन लगा लो x-3 e की पावर x, और भाई यहाँ हो जाएगा x-1 का होल क्यूब, और आप dx लगा दीजिए। अब देखो, यहाँ है x-1 का होल क्यूब, अर्थात भाई नीचे x-1 है और ऊपर है x-3। अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो x-3 है उसे हम x-1 में बना लेंगे। ठीक है, देखो कैसे बनाओगे, बहुत ध्यान देना। जो x-3 है उसे आप कुछ इस प्रकार से लिख दो, x-1 और -2 लगाकर आप लिख दो। तो देखो, एक बार जो है वो x-1 बन जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम उन संख्याओं को अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग कैसे लिखोगे भाई, यहाँ dx भी लिख लेना। देखना, अब x-1 के साथ अलग लिखो, और नीचे तो आपको भाई वही संख्या लिखनी पड़ेगी, और जो ये -2 है ना इसके साथ आप अलग लिखो। यहाँ आप dx लगा दो और -2 तो बाहर निकल आएगा, यहाँ बचेगा e की पावर x dx, नीचे आ जाएगा x-1 का होल क्यूब, इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ हमने देखो इसे इस प्रकार क्यों बनाया था, ताकि भाई ये हम अलग करके एक यहाँ घातों को कैंसिल कर सके, बस इसीलिए। क्योंकि यहाँ x-1 था तो उसे हमने x-3 को x-1 और -2 बनाया, x-1 को अलग किया ताकि नीचे वाली एक पावर ना कैंसिल हो जाए बस। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, देखना, अब i बराबर क्या आ जाएगा, देखना, यहाँ आ जाएगा e की पावर x dx अपॉन में आ जाएगा x-1 का होल हाफ स्क्वायर, और वहां पर -2 e की पावर x dx, और नीचे आ जाएगा x-1 का होल क्यूब, इस प्रकार से बन जाएगा। अब भाई यहाँ पर देखो ध्यान दीजिए, हम इस वाले में खंडशः का प्रयोग करेंगे और भाई ये वाला ना ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, आई बराबर देखो यहाँ पर जो है आई लेट का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो जो हमारा ये वाला फंक्शन है ना, जो अल्जेब्रिक फंक्शन है, वो पहला फंक्शन हो जाएगा, और जो ई वाला है वो दूसरा फंक्शन होगा। ठीक है, ये पहला फलन और ये वाला दूसरा फलन। अब ध्यान दीजिएगा, देखो ये भाई पहला फलन है तो उसको तो आपको ऐसे ही उतारना है। देखो, हमने पहले फलन को ऐसे ही उतार दिया, और भाई दूसरे वाले फंक्शन का कर दिया समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, एक आप ब्रैकेट यूज कर लो। अभी आपको पहले फलन का ना अवकलन करना पड़ेगा, तो इसे जब हम अवकलन करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं भाई, अपॉन में 2 घाते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिख दें इस प्रकार से, भाई नीचे 2 घाते थी, ऊपर ले आए तो -2 घाते हो जाएंगी, और दूसरे वाले का तो समाकलन करना ही पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज करो और भाई यहाँ आप dx लिख सकते हो, ये वाला ना ऐसे ही आप उतारते रहो। तो यहाँ आ जाएगा -2 e की पावर x dx, यहाँ x-1 का होल क्यूब। अब भाई देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसे तो आपको ऐसे ही उतारना है, क्योंकि भाई e की पावर x का ना समाकलन क्या होगा, e की पावर x होगा, तो यहाँ पर तो वैसे ही आ जाएगा। देखना, ऐसे लिख दिया हमने, यहाँ पर आपको हल करना है बस, माइनस इंटीग्रेशन आप लगा लो, x-1 की पावर है -2, यहाँ हमें करना है अवकलन, तो -2 आगे आ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा +2, और
देखो एक घात कम पड़ जाएगी, एक घात कम पड़ने का मतलब है यहाँ पावर हो जाएगी माइनस की 3। भाई माइनस की 2 पावर थी बाहर निकाला, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और एक पावर और कम कर दो हो गया अवकलन। इसका समाकलन तो उतना ही होगा, लो लिख दिया। उसे आप ऐसे ही उतारते रहो, e की पावर x dx अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। यहां पर जो माइनस की 3 पावर है ना, अगर इन्हें हम नीचे ले जाएंगे तो वो प्लस की 3 पावर हो जाएंगे। तो आई बराबर e की पावर x x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, e की पावर x dx अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अब देख लो सेम चीज यहां पर भी लिखी हुई है, तो वैसे ही उतार दो आप यहां। अब देखो यहां प्लस 2 और यहां माइनस 2, बाकी सब कुछ सेम सेम लिखा है, तो कर दो कैंसिल। ये हो गया आपका आंसर, प्लस सी लगाकर लिख देना। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही सवाल था जहां आपने थोड़ा सा हल किया, -3 को -1 और -2 करके लिख दिया। -1 इसलिए किया था ताकि भाई एक बार कैंसिल हो जाए। फिर जैसे ही ये बन गया आपका ना, आप यहां तुरंत समझ जाओ कि एक का खंडसा करना है तो एक अपने आप कैंसिल हो जाएगा। भाई इस प्रकार के सवालों में हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 20। अब भाई सवाल नंबर 21 को देखिए क्या लिखा हुआ है। e की पावर 2x है और भाई इनटू में लिखा है साइन एक्स, तो यहां पर भी हमें खंडसा का ही प्रयोग करना है। तो सबसे पहले इसे आप आई में लिख लो, आई बराबर इनकी पावर 2x, यहां हो जाएगा साइन एक्स और आप डी एक्स लगा दो। सबसे पहले आपको ये ढूंढना होता है कि यहाँ कौन सा प्रथम फलन है और कौन सा द्वितीय फलन है, तो उसके लिए हम आइलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि भाई आइलेट क्या होता है। आइलेट में होता क्या है कि देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये ई वाला फंक्शन है, तो ये पहले आता है ये बाद में आता है, तो इसे आप आई वन करोगे और इसे आप करोगे आई टू। ठीक है, तो ये हमारा पहला है, ये हमारा है दूसरा फलन। अब यहां आपको खंडसा का प्रयोग करना है। देखना आई बराबर जो पहला फलन होता है उसे आप ऐसे ही उतार दें, ठीक है, और दूसरे वाले का आपको समाकलन करना होता है। फिर माइनस इंटीग्रेशन, एक आप ब्रैकेट का यूज कर लो, डी अपॉन डी एक्स। अभी हमें अवकलन करना है किसका, जो हमारा पहला फलन है साइन एक्स, फिर दूसरे वाले का आपको समाकलन करना है ब्रैकेट, और भाई दोनों की गुणा करके फिर से समाकलन करना है, तभी हमने यहां पर डी एक्स लिख दिया है। आप ध्यान देना e की पावर 2x का समाकलन क्या होगा, e की पावर 2x होगा, लेकिन x के साथ दो गुणा में लिखे हुए हैं, तो समाकलन में उल्टा होता है, गुणा में है तो भाग में आएंगे, भाग में होता तो गुणा में चले जाते, तो ये आ जाएंगे 1/2 e की पावर 2x और साइन x हो गया। यहां पे मैं नहीं, देखो 1/2 तो यहां पर भी बाहर आएगा, देखो हमने यहां बाहर लिख दिया, 1/2 बाहर लिख दिया हमने। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स अवकलन, तो यहां हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x और डी एक्स। अब बहुत यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखो ये वाला तो पहली बार में ही हल हो जाता है, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि गुणा करने के बाद भी आप यहां पर समाकलन नहीं कर पाओगे। एक बार हमने खंडसा का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी यहाँ आप जो ये गुणनफल आ गया है ना, इसका आप समाकलन नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से यहाँ पर भाई खंडसा का प्रयोग कर देंगे, इसे आई वन मानकर चलेंगे और इसे आई टू मानकर चलेंगे। बहुत ध्यान देना, आई बराबर 1/2 यहाँ e की पावर 2x साइन एक्स, माइनस का 1/2 है तो आप यहां ना बड़े ब्रैकेट का यूज कर लो। अभी पहला फलन आपको ऐसे ही उतारना है और भाई दूसरे वाले का आपको करना है समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन, एक आप ब्रैकेट का यूज कर लें, पहले वाले का अवकलन करें तो d अपॉन dx,
कॉस एक्स और भाई दूसरे वाले का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज, बाहर डीएक्स और बड़ा वाला ब्रैकेट भी आप बंद कर दें। इसको तो ऐसे ही उतारते रहो, आई बराबर 1/2 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2। देखो e की पावर 2x का वैसे ही तो होगा हाफ e की पावर 2x कॉस एक्स, यहां पे देखो क्या हो जाएगा माइनस। देखो कॉस का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन होता है, यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां आ जाएगा साइन एक्स। यहां तो e की पावर 2x ही होगा, dx होगा, लेकिन अपॉन में 2 आ जाएंगे बस, बाकी सब वैसे ही है। अब यहां एक चीज ध्यान दो, ये जो चीज लिखी हुई है इंटीग्रेशन साइन एक्स e की पावर 2x dx, यही देखो एकदम यहां पे लिखा हुआ था, जो हमारा सवाल था वही यहां सवाल घूम फिर के फिर आ गया। सवाल को हमने i बराबर माना हुआ था, तो अगर ये सवाल i के बराबर है तो भाई ये चीज भी i के बराबर ही हो जाएगी। तो देखना i बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 से ना गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 करके आ जाएगा ना, e की पावर 2x कॉस एक्स बटे हो जाएगा 4 माइनस, देखो यहां पर भी हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 और ये 1/2, तो माइनस 1/4 और ये आई की वैल्यू है। 1/4 को छोड़ दो तो जो बाकी जो भी लिखा हुआ है यहां पर ध्यान दो आप, वो पूरी आई की वैल्यू है। तो ये थोड़ा अलग प्रकार का सवाल है। यहां पर क्या होगा, जब आप दोबारा खंडसा का प्रयोग करोगे ना तो वो दोबारा से सवाल, जो सवाल आपने शुरू किया था वही सवाल दोबारा बन जाए। जैसे ही वो सवाल दोबारा बने आप उसका मान आई रख दो, आई वाले एक तरफ ले लो, देखना आई प्लस आई बटे चार या 1/4 आई कह लो, बात एक ही है बराबर। इसको आपको ना ऐसे ही दोबारा लिख लेना है, यहाँ हो जाएगा e की पावर 2x साइन एक्स बटे 2 माइनस e की पावर 2x कॉस एक्स और बटे 4। इधर आपको कुछ भी हल नहीं करना है, अब बस केवल यहां पे हल करना है। देखो आई प्लस आई बटे 4 क्या हो जाएगा, 5/4 आई, और इस चीज को आपको ऐसे ही उतार देना है। फिर जो 5/4 है वो उधर चले जाएंगे और वही आपका आई का मान हो जाएगा, समझ गए ना भाई। ये जोड़ा हमने तो 5/4 आई आ गया, इसको आपको ऐसे ही नीचे उतारना है बस। फिर अगले आलम क्या करना है आपको, जो ये 5/4 है उधर जाएंगे तो 4/5 हो जाएंगे, 4/5 गुणा में करके आप लिख दो, बस आपका आंसर आ गया। चाहना तो भाई यहां पर लासा ले लेना, 2 और 4 का लासा होगा 4, तो बाद में 4 और 4 आपके कैंसिल भी हो जाएंगे। चाहो तो भाई थोड़ा सा यहाँ पर हल भी कर लेना, बाकी 5/4 उधर ले जाओगे तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल उस टाइप के हैं जहां पर भाई होता क्या है कि ई के साथ में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, आप एक बार खंडसा करते हो सवाल हल नहीं होता है, दूसरी बार खंडसा करते हो तो जो सवाल आपने शुरू किया था वही दोबारा आ जाता है। जैसे ही वो सवाल आता है दोबारा आप उसका मान आई रख दो, आई वाले एक तरफ ले लो, जोड़ो घटाओ और आई तो इधर ही रहेगा, जो संख्या साथ में आई उसको उधर ले जाओ और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 21।